घंटे हो चुके हैं अभी तक रेपिस्ट पकड़े नहीं किए हैं। क्या बात कर रहे हो आप, क्या विषय आपका है? सुनिए सुनिए जी, किसी वक्ता को ऐसे नहीं किया करते, उसको बोलने दिया करते। आज देश भर में प्रधानमंत्री जी के आह्वान से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और ये स्वच्छता अभियान ऐसी मूवमेंट है देश भर की कि करोड़ों की संख्या में आज लोगों ने इस अभियान को शुरू किया है और इसके बाद के बाकी जो प्रश्न है मुझे हरियाणा में उत्तर देना, जाके दे दूंगा। सीबीएसई के लड़की के बारे में बताएंगे सर? ये सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर है। इनके राज्य में एक बेटी के बलात्कारी पिछले 72 घंटे से घूम रहे हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और जब आज मुखिया से इस बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर पूछा गया तो इन्होंने बेटी की इज्जत से ज्यादा स्वच्छता अभियान को ध्यान देना जरूरी समझा। रिपोर्टर पूछते रहे और वो उन्हें डांटने वाले लहजे में चुप कराते दिखाई दी। पूछा गया, देश को गौरवान्वित करने वाली बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले कब गिरफ्तार होंगे? तो सीएम साहब भड़क उठे। कितने कितने घंटे हो चुके हैं अभी तक रेपिस्ट पकड़े नहीं किए हैं। क्या बात कर रहे हो आप, क्या विषय आपका है? सुनिए देखिए सुनिए जी, किसी वक्ता को ऐसे नहीं किया करते, उसको बोलने दिया करते। आज देश भर में प्रधानमंत्री जी के आह्वान से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और ये स्वच्छता अभियान ऐसी मूवमेंट है देश भर की कि करोड़ों की संख्या में आज लोगों ने इस अभियान को शुरू किया है और इसके बाद के बाकी जो प्रश्न है मुझे हरियाणा में उत्तर देना, जाके दे दूंगा। सीबीएसई के लड़की के बारे में बताएंगे सर? सीएम साहब, आपके सियासी अभियान में आपका होना जरूरी है लेकिन अगर आपके ही राज्य में एक बेटी के बलात्कार का मामला हो तो वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके ही राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू हुआ था। और अगर आपके राज्य में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ये बेहद शर्म की बात है। एक दिन अगर आप झाड़ू नहीं उठाएंगे तो कोई सवाल नहीं पूछेगा लेकिन अगर बलात्कार पर इतना हल्का बयान देंगे तो जनता का विश्वास आपकी खटारा पुलिस और नेतृत्व से जरूर उठ जाएगा। सीएम साहब को जब स्वच्छता अभियान से फुर्सत मिली तो फिर पूछा गया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी और बीजेपी की विधायक प्रेमलता ने एक और बयान दिया जिस पर विवाद हो सकता है। प्रेमलता ने समाज के इन शैतान की दरिंदगी को बेरोजगार से जोड़ दिया। प्रेमलता ने कहा कि गैंगरेप का कारण युवकों को रोजगार ना मिलना और फ्रस्ट्रेट होना है। हमारे समाज में इस तरह की जो बच्चे जो फ्रस्ट्रेशन जो आई हुई बच्चों में वो कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण है कि जो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिली, जिनको भविष्य नहीं नजर आ रहा, वो इस तरह की गंदी हरकत करते हैं तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। 3 दिन पहले कनीना बस अड्डे से इस बेटी का तब अपहरण कर लिया गया था जब वो कोचिंग सेंटर से घर लौट रही थी। राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त स्कूल टॉपर पीड़िता के पिता ने कहा कि हो सकता है उनकी बेटी से 8-10 लोगों ने बलात्कार किया। पीड़िता की मां ने कथित तौर पर कोई कार्रवाई ना होने पर पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी बेटी घटना के चलते सदमे में है और आरोपी घटना के बाद खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो हरियाणा पुलिस ने SIT का गठन कर दिया। SIT में विवाद SP नाजनीन वजीन के नेतृत्व में काम करेगी। इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन में और हम बहुत जल्दी मेन अक्यूज को गिरफ्तार करेंगे। पंकज, मनीष और नीशु पीड़िता को अगवा कर महेंद्रगढ़ जिले की सीमा से दूर झज्जर जिले की सीमा के खेतों में बने एक कुएं पर ले गए। यहाँ पहले से ही कुछ और लोग मौजूद थे। नशे की हालत में सभी ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। गांव के लोगों का कहना है कि इन तीनों का बैकग्राउंड भी बेहद दागदार है। बेटी बचाओ बेटी का नारा लगाती है और यह CM आता उसे बात करने के अंदर 7 सेकंड लगाती है। ये सरकार की नाकामी है, इसीलिए ये हमारे इस रेवाड़ी शहर के अंदर आए दिन घटना होने की लापरवाही है। 27 घंटे की ढील दे दी पुलिस ने, एक्यूज्ड को भागने का मौका दे दिया और अब पुलिस प्रशासन जो सचेत हुआ है उससे तो शायद ऐसा लगता है कि ये डिले ही हो। लड़की थी बाहर की, नहीं थी वो लड़की, उसका केस दबा दिया गया। जब 12 तारीख को पीड़ित परिवार हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए आया पुलिस के जरिए तो पुलिस ने इनको क्या किया कि क्लीन चिट दे दी कि ये लड़की ठीक है, हालात इसकी ठीक है। पीड़ित BSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है।
पीड़ित राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी भी है, राष्ट्रपति से सम्मानित भी है। लड़की के पिता पीटीआई हैं और गांव में छात्रों को मुफ्त खेल प्रशिक्षण देते हैं। लड़की के शिक्षक भी घटना से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसी ही घटनाएं होंगी तो फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कैसे सफल होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब